ओके, अवर टुडे टॉपिक इज फ्रॉम 12th अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग होता है कि कंपनी बनती कैसे है. इसका एक प्रोसीजर है, इसका एक तरीका है. इस तरीके का थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको यहाँ पर इस लेक्चर में तो मिल ही रहा है, साथ में आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है. टॉपिक नंबर 8.7. पॉइंट नंबर 1, जैसा कि इसने टॉप लाइन में भी आपको कहा, आप अपने अपने बुक्स में भी देख सकते हैं और जो स्क्रीन पर आपका कंटेंट अवेलेबल है उसमें भी आप इस चीज को शो होता हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेन स्टेप्स. कंपनी की बनने की प्रक्रिया में नीचे दी गई स्टेप्स शामिल हैं. सबसे पहला स्टेप जो है वो है फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द प्रोमोटर. दिस वन, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोमोटर. प्रोमोटर इज विच टाइप ऑफ पर्सन. प्रोमोटर इज अ पर्सन जिसके माइंड में सबसे पहली बार इस बात का ख्याल आया कि उसे इस ढंग से अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा करके किया करना चाहिए. तो जो पर्सन इस आइडिया को कंसीव करने के बाद इन रियलिटी उसको हकीकत में बदलता है, उसको हम यहाँ पर एक पोस्ट डेजिग्नेट कर देते हैं, एक पोस्ट दे देते हैं जिसका नाम है प्रोमोटर. प्रोमोटर मिल करके शेयर कंपनी सेक्रेटरी के साथ में मिल करके अपनी एक टीम रेडी करता है. उस टीम के अंदर उनका टास्क रहता है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाए जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो. ऐसे कई सारे पॉइंट बीच में आएंगे, जैसा कि यहाँ पर एक जगह आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा कि पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू सेक्शन. ये रिपीटेटिवली कई बार आएगा, आप इस चीज को भी याद कर लें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 256 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये लास्ट टाइम जब इसमें चेंज आया था तब के बारे में दे रखा है. 2013 में ये जो चेंज किया गया था इस लॉ में, अकॉर्डिंग टू दैट उसमें कहा जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कंपनी की उन बातों को डील करता है, उन थिंग्स को डील करता है जो कि कंपनी आउटसाइड वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन करते समय फॉलो करती है. आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है कंपनी से बाहरी लोग. फिर उसी के बाद में आपको इस टॉपिक के अंदर एक थिंग और दिख रही है, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके कंपनी के इनसाइड इनर वर्किंग रूल्स रेगुलेशंस, उनके प्रोसीजर्स, उनकी पॉलिसीज, इंटरनल जो भी उनकी जो पॉलिसी मेकिंग को लेकर के थिंग्स हैं उन्हें वे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं. अब ऐसा भी होता है बहुत सी बार के कुछ कुछ कंपनियां खुलने में या उनके प्रोसेस को अडॉप्ट करने में उनको समय की कमी रहती है, तो उस सिचुएशन में जिन्होंने कि अपने स्टार्ट के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को टाइमली फिल नहीं किया है तो उनको अलग से एक लिस्ट ए नाम का टॉपिक होता है या लिस्ट ए नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है उसको फिलफिल करना रहता है. तो वो इसमें आ जाता है. लिस्ट ए क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफिंग आपको दे रखा है. और फिर एक पॉइंट इसमें ये आ रहा है स्टेटरी डिक्लेरेशन वर्ड का डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है. स्टेटरी डिक्लेरेशन, स्टेटरी वर्ड का मतलब होता है कानून के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करना, घोषणा करना कि हाँ हमने अभी तक की जितनी प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो करना थी वो सारी फॉलो कर ली है. इस बात को कंपनी के सारे जो असेंशियल डेजिग्नेटेड पर्सन या ऑफिसर्स होते हैं वो घोषणा कर देते हैं कि हमने हमारी तरफ से जो सारी फुलफिलमेंट करना थी लीगल वे में सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है. जब आपका फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वाला प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो कंपनी का अगला स्टेप जो चला जाता है वो चला जाता है पेमेंट ऑफ फी एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. यहां पर कंपनी खोलने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने का जो ऑफिस रहता है वहां पर कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो लीगल चार्जेस रहते हैं, जो एक्सपेंसेस फुलफिल करना होते हैं, उन्हें वहां पर कंपनी के हैंड से पे ऑफ किया जाता है गवर्नमेंट के पास और एक सर्टिफिकेट इशू होता है. यहाँ पर उस बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. दिस वन, ये सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर बताई जा रही है
ये वो सर्टिफिकेट है जिसके अंदर इस बारे में कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आप इनकॉर्पोरेशन का डिक्शनरी मीनिंग ढूंढते हैं तो इसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन फिल करने की और पूरा उसको अरेंज करने की प्रोसीजर को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो इशू करता है कंपनी को कि हाँ आपने अपनी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली है। तो जब ये वाला काम हो जाता है, आफ्टर दैट स्टेज नंबर थ्री, थर्ड स्टेज आ जाती है जिसका नाम यहां पर दिखाया जा रहा है, दिस वन स्टेज, पेज चेंज टर्न कर लीजिएगा सभी, स्टेज नंबर थर्ड, स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कमर्समेंट शब्द आपने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। कमर्समेंट शब्द का मतलब होता है बिजनेस का स्टार्ट किया जाना। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब है या तो प्रोडक्शन स्टार्ट करना और मार्केट में परचेजिंग और सेलिंग का काम स्टार्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड कमर्समेंट। तो जब ये वाला काम होता है तो कंपनी को चाहिए होती है कैपिटल, मनी रिक्वायर्ड होती है आगे का काम चलाने के लिए। और इसीलिए यहाँ पर इसी टॉपिक में स्टेज नंबर थ्री का जो नाम दे रखा है, इसी टॉपिक के अंदर एक नाम आपको दिखेगा जो ब्लिंक कर रहा है या जो अलग से अपने को शो हो रहा है, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है कंपनी की तरफ से ओपन मार्केट में कि हम एक कंपनी है और हमें अब मनी की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम अपने बॉन्ड्स, शेयर्स या शेयर कैपिटल जिसको कि हम शेयर्स कहते हैं वो बेचना चाह रहे हैं। इतने इतने रुपए का शेयर है, हम इतना इतना उस पर रिटर्न देंगे, डिविडेंड देंगे। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन उस रिगार्डिंग होते हैं, ये सारी बात वो प्रॉस्पेक्टस नाम के एक डॉक्यूमेंट में जनरल पब्लिक के साथ स्टॉक मार्केट में अनाउंस कर देते हैं या सेंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, जब प्रॉस्पेक्टस मार्केट में कंपनी का आ जाता है तो अगली स्टेज जो होती है उसके अंदर आती है बात कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाम का टॉपिक आता है। आप पेज नंबर नेक्स्ट पर आ जाइएगा, टॉपिक का नंबर है 8.8, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी को एक स्टेज को फेस करना होता है इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाम की स्टेज में। आफ्टर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के इशू किए जाने के बाद ये होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर। यह बात का ध्यान कंपनी को रखना पड़ता है कि जितनी कैपिटल, सपोज एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूँ, सपोज अगर कंपनी को 100 रुपी मार्केट से कलेक्ट करना है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में उसका मैक्सिममली ये मान के चलिए कि 90% पार्ट अगर वो कवर कर पा रहे हैं, कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ही वो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट मार्केट में बेच सकते हैं, अदरवाइज उनको वह अमाउंट रिटर्न करना रहेगा। क्योंकि कंपनी की गुडविल या तो मान ली जाती है मार्केट में अच्छी नहीं है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, और वो अपना पैसा अगर उधार एक तरीके से मेंबरशिप बेसिस पर बेच रही है, पोर्शन बेच रही है, तो वो कलेक्ट नहीं कर पाएगी, दैट्स व्हाई। तो कंपनी के लिए ये बाउंडेड रूल है। बाउंडेड रूल का मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ही इस बात को सेट किया गया है कि एक पर्टिकुलर डे के दौरान उस पर्टिकुलर परसेंटेज अमाउंट को वो कलेक्ट कर ले तो ही उनका प्रोसेस शेयर इश्यू करने का आगे रन होगा, अदरवाइज उस प्रोसेस को वहीं पर ही होल्ड करवा दिया जाता है और जिन लोगों ने पैसा दे दिया है उनका पैसा रिटर्न करने को कहा जाता है। इस अमाउंट को जो पर्टिकुलर डेज में कलेक्ट करना होता है उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है और लास्ट वन आ जाता है कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को करेगी क्या कंपनी। तो इसको काम में लिया जाता है कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्टअप करने के लिए या उस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए कि कंपनी इस अमाउंट को अपनी जो रिक्वायरमेंट है, प्लांट को एस्टेब्लिश करना, कंपनी का बिजनेस चलाना, कंपनी के लिए मशीनरीज अरेंज करना अगर वो प्रोडक्शन तरीके काम करने वाली है, या कंपनी को शुरू करने के, मैं सीधे सेंटेंस में इस बात को कहूँ, कंपनी को शुरू करने के जो इनिशियल स्टार्टिंग एक्सपेंसेस होते हैं वे सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से काम में लिए भी जाते हैं, इन पर एक्सपेंस भी किया जाता है। और ये अमाउंट कहाँ से आया था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के थ्रू इस अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट कंपनी करती है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर कंपनी अब अपने स्ट्रक्चर में, अपने अस्तित्व में आ जाती है, अपने पूरे फॉर्म में आ जाती है और अपना बिजनेस मार्केट में स्टार्ट कर देती है।
तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपने यह बात जाना कि कंपनी का फॉर्मेशन किस ढंग से होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट।